कांग्रेस के स्वार्थ और देश के साथ गद्दारी का सबूत था आर्टिकल 370, जिसने देश की अखंडता पर प्रहार करते हुए जम्मू कश्मीर को दशकों तक भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। डर और हिंसा के माहौल में जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां अपने भविष्य के साथ समझौता होते देख रही थीं और अनुच्छेद 370 का बहाना लेकर कुछ परिवार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के कलंक को धो दिया और लोगों ने पहली बार घाटी के अभूतपूर्व विकास को देखा। 370 हटने के महज 4 सालों में जम्मू कश्मीर की जीडीपी दुगनी होकर 2.25 लाख करोड़ से अधिक हो गई, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की योजनाओं ने जम्मू कश्मीर के आम जन का जीवन भी बदल कर रख दिया। जम्मू कश्मीर के 10,60,269 किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। 7,92,132 घरों तक नल से जल पहुँच रहा है। 11,91,215 इज्जत घर यानी शौचालय बन चुके हैं। 85,85,855 लोगों को आयुष्मान से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 1,85,133 लोगों को पक्का घर मिल चुका है और 66,54,744 लोगों को अन्न योजना से 5 किलो मुफ्त अनाज भी मिल रहा है। एक ओर जहां जम्मू कश्मीर के 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली, तो वहीं सिर्फ एक दिन में जम्मू कश्मीर के 94,000 युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने का मौका भी मिला। रेल, हाईवे, एक्सप्रेसवे सहित वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ये साफ बता रहे हैं कि आज कश्मीर कैसे विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के प्रयासों के कारण आज जम्मू कश्मीर के लोग आतंक के साए से मुक्त होकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।